हिस्ट्री शीटर की हत्या का खुलासा बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के बूढ़पुर गांव में हुई हिस्ट्री शीटर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार रमाला थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र की हत्या बूढ़पुर गांव के रहने वाले प्रवेंद्र ने की थी। बताया जा रहा है कि प्रवेंद्र 2013 में आर्मी में भर्ती हुआ था, जिसका धर्मेंद्र ने करीब 3 महीने के बाद सुभाष हत्याकांड में नाम ले लिया था और इसी कारण धर्मेंद्र व प्रवेंद्र जेल चले गए। बताया गया कि प्रवेंद्र का फौज में भर्ती का कॉल लेटर आना बाकी था, लेकिन उसके सुभाष हत्याकांड में जेल जाने की वजह से प्रवेंद्र की नौकरी चली गई। इसी बाबत दोनों के बीच रंजिश हो गई और इसी रंजिश के चलते बीती 23 फरवरी को प्रवेंद्र ने धर्मेंद्र को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि धर्मेंद्र की ईंट से पीट पीट कर हत्या की गई थी, जिसके बाद उसके शव को गली के बीचों बीच फेंक दिया गया। मामले की पुलिस द्वारा तफ्तीश किए जाने पर पकड़े गए आरोपी प्रवेंद्र ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया है और आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल ईंट भी बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है। ये रमाला थाने के अंतर्गत बूढ़पुर एक गांव है, वहाँ पर 24 तारीख को पिछली जो 24 बीती है 24 फरवरी को धर्मेंद्र नामक एक व्यक्ति की किसी ने ईंट से सिर पे मार करके हत्या कर दी थी। गली में उसके घर के कुछ दूरी पर ही उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके घर वालों ने दो लोगों को बाइस्तवा नामजद भी किया था, तो उसमें से हमारी टीमें बनी हुई थी और लगातार हम लोग लगे हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया प्रवेंद्र और उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में खुलासा किया। उसने बताया कि सिलेक्शन हुआ था इसका आर्मी में, जो अभियुक्त है इसका सिलेक्शन आर्मी में हुआ था, कॉल लेटर आने वाला था, लेकिन उसके पहले ही जो मृतक है इसने एक घटना में एक हत्या के आरोप में इसका भी नाम ले लिया था, जिसकी वजह से ये जेल चला गया था अभियुक्त और उसकी नौकरी भी चली गई थी। इस बात की रंजिश वो अपने मन में पाले हुए था और उस दिन जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो वहाँ पर थोड़ी सी झड़प हुई, इनकी आपस में झगड़ा हुआ और फिर वहीं पर पड़ा हुआ एक ईंट का टुकड़ा उठा करके उसने उसके सर पे दे मारा, जिससे उसकी वहीं पर मौके पर ही मृत्यु हो गई। वो आला कत्ल भी बरामद किया जा चुका है और इसको जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू।